अरुण हूँ। हम लोग यहाँ नेहरू प्लेस में डाटा रिकवरी का काम करते हैं। नेहरू प्लेस बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नेहरू प्लेस में ही काम करते हैं। हमारे पास डीलर से पूरे इंडिया से कोरियर के थ्रू काम आता है। तो हमारा पर्पज़ वीडियो बनाने का ये रहता है कि जब डीलर हमको काम भेजते हैं तो हम उनकी हार्ड डिस्क अंडर कैमरा खोलते हैं। इवन उनका जो पैकेट आता है वो भी हम कैमरे के अंडर खोलते हैं, यानी कैमरे उसका वीडियो शूट करते हैं कि जिससे हम लोग ये प्रूव कर पाएँ कि ट्रांसपेरेंटली हम चीज़ों को कर रहे हैं, हम पारदर्शी ढंग से काम को कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो चीज़ों को पारदर्शी ढंग से करने का है। काम पारदर्शी होगा, आपको विश्वास पैदा होगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी क्रम में एक सैमसंग की हार्ड ड्राइव हमारे पास आई है जो मार्केट में ही किसी डाटा रिकवरी वाले सर हैं उनके यहाँ से आई है। तो क्योंकि ये खुली हुई है तो हमने कस्टमर को ये पहले बोला है कि हम क्योंकि ये पहले से खुली हुई है, अब ये क्लीन रूम में खुली है या नहीं खुली है हमें नहीं मालूम। हम ज़रूर इसको क्लीन रूम में खोल के देखेंगे कि इसमें डाटा रिकवरी की संभावना है या नहीं है। हाँ, एक बात हम जरूर कहते हैं कि यदि आप हार्ड डिस्क पहले से खुली हुई है तो इंस्पेक्शन चार्जेस हम नॉमिनल जरूर लेते हैं, 500 से 1000 रुपये के बीच में, डिपेंडिंग कि हार्ड डिस्क का साइज़ क्या है, उसमें पेपर कितने। तो जैसा कि ये कस्टमर जैसे चार्ज देखे गए हैं तब हम इसको आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। आइए जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि देखिए ये डस्टी एनवायरनमेंट में खुली हुई ड्राइव है, क्लीन रूम में नहीं खुली है। यू कैन सी हियर देयर आर द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट है यहाँ पे। एंड अभी मुझे ये हेड रिलीज़ करने हैं, तो हेड रिलीज़ करने के बाद मुझे देखना है कि इसमें कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। Has tried a lot, उसने बहुत कोशिश की है और ये हेड यहाँ चिपका हुआ है, ये यहाँ पे हेड चिपका हुआ है। तो वापस वहीं ला के उसको छोड़ दिया है क्योंकि ये टूल नहीं होने की वजह से, जो अभी हमने दो दिन पहले वीडियो डाला था, ये टूल ना होने की वजह से इस तरीके से जब हेड को अनस्टक करने की कोशिश की जाती है बिना इस टूल को लगाए तो ये समस्या अक्सर आती है। तो अभी हमको कस्टमर को बोलना पड़ेगा, पहले तो ये ब्लिटरी गंदा है, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं। यदि हम इसको रिलीज़ भी कर देंगे तो रिलीज़ तो हो ही गया, खाली यही इशू था इसके अंदर। अगर हम इसको अब आप देखिए कितने डस्ट पार्टिकल हैं इसके ऊपर। अब ये ऊपर ही है कि नीचे भी हैं? ऊपर से ये हेड का पीस इसके ऊपर चिपका हुआ है, ये वाला, ये हेड की आई है एक्चुअली, आँख है। तो इसको हटा के नए हेड लगाना है। तो अब कस्टमर को हमको बताना है कि सर आपकी आर्टिस्ट की ये स्थिति है, हेड चेंज करके देके जाएंगे और ये प्लेटर क्लीन होंगे उसके। यदि वो उस एस्टिमेट के लिए रेडी होंगे जो कि थोड़ा हाई होगा तो ये डाटा रिकवरी की संभावना बनती है, वरना ये संभावना नहीं रहती। मैं आपको एक बात, ये वीडियो इसलिए डलवाना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो चीज़ है ये आपको समझनी चाहिए। यदि हार्ड डिस्क होते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर से स्पिनिंग नहीं आती है, एक अजीब सी कुंकू की आवाज़ आती है। तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं कि इस तरीके से उनको रिलीज़ करके चला लो, हर केस में ऐसा नहीं होता, किसी किसी में हो जाता है। और वो हार्ड डिस्क आपको लगेगा कि नॉर्मल चल गई, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि वो थोड़ी देर के बाद वापस, दो दिन, चार दिन, आठ दिन, दस दिन के बाद वो वापस बिल्कुल रीड करना बंद कर देती है। तो ऐसी यूट्यूब देख के आप ऐसा कोशिश ना करें, डाटा इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे जो मेरा तकिया कलाम है, हार्ड डिस्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डेटा इज इम्पॉर्टेंट। सो डेटा इम्पॉर्टेंट है तो फिर इसको एक तो खुले में नहीं खोलना है, डस्टी एनवायरमेंट में नहीं खोलना है, और हेड रिलीज करने के लिए हेड रिलीज के ऐसे टूल आते हैं, इनको यूज़ कर
वैसे हो जाता है कभी कभी, चल भी जाएगी लेकिन लॉन्जिविटी नहीं आएगी, लंबे समय तक हार्ड ड्राइव नहीं चलेगी, आपका डाटा आपको लगेगा मेरे तो फर्स्ट चल गई, कोई समस्या नहीं है, समस्या कभी भी आ जाएगी। और फिर बिना हेड बदले या प्लेटर पर किसी वजह से स्क्रैचेज आ गए तो फिर हेड बदल के भी डाटा रिकवर नहीं होता है। ये भी मेरा एक तक क्या कलाम है, हेड बदलना डाटा रिकवरी की संभावना है, गारंटी नहीं। ठीक है साहब, तो मेरा निवेदन सब लोगों से यही है कि प्रोफेशनल लोगों से काबू कराएं, बाकी प्रभु इच्छा आप सबकी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।